the meaning of Om? Why we have to chant Om? And what is the benefit from Om? So actual Om, ये ब्रह्मांड का पहला शब्द, पहला ध्वनि, पहला नाद, पहला उच्चार है। ये मूलभूत बीज मंत्र है। सभी मंत्रों का राजा ही ओम है। स्वरों की ओम जननी है। वेदों का ओम जनक है। ओम कहाँ से पैदा हुआ? जब पृथ्वी और वायु इसका घर्षण हुआ, उसमें से जो ध्वनि प्रसारित हुआ, वो है ओम। ये पूरे वातावरण में नाद घूमता रहता है। कोई भी इंसान इसकी साधना करके वो नाद सुन सकता है। जैसे इसके लिए शरीर की तैयारी चाहिए, मन की तैयारी चाहिए। शरीर का स्वामी ओम, ओम का स्वामी नाद, नाद का स्वामी स्वर, स्वर का स्वामी लय, लय का स्वामी ओम अगेन। सो ओम नाद से शुरुआत होके लय तक जाके, लय मीन्स स्वरों का राजा। इस प्रकार से ओंकार की उत्पत्ति हुई है। उस क्षण से इस क्षण तक पूरे वातावरण में ये गूंजता रहता है। अब ओम भारत में अनेक पद्धतियों से उच्चारण किया जाता है, बट हम लोग नैनेश्वर जी ने जो ओम की उत्पत्ति बताई, उस ढंग से मैं सिखाऊंगी। नैनेश्वर जी ने अ उ और म मात्रा में ओम स्थिमित किया हुआ है। जैसे अ मीन्स नाभि से पैर तक का शरीर का हिस्सा, चरण युगल। उ मीन्स नाभि से हृदय तक का हिस्सा, उदर विशाल। और म मीन्स महामंडल मस्तका द्वारे। इसलिए हर एक इंसान के शरीर में ये नाद बसा हुआ है। बट आप जब बोलोगे तब उसका फायदा शरीर को होगा। बहुत से लोग ओम डायरेक्ट ओम, दैट इज वर्ड नॉट नाद। हम नाद का उच्चारण सीखेंगे, जैसे अ का अलग, उ का अलग और म का अलग। जैसे अ जो है वो नाभि से शुरुआत होती है, बट अ का उच्चारण करने के पहले हमें दीर्घ सांस लेना चाहिए, क्योंकि हर एक सांस में ही एक्चुअल ओम बोला जाता है। बट इधर मैं तीन सांसों में अलग अलग सिखाऊंगी, फिर एक सांस लेके हम पूर्ण ओम बोलेंगे। अब अलग अलग क्यों? क्योंकि अलग अलग मात्रा आपने अच्छे से सीखी तो आप प्रॉपर ओम बोल सकोगे, गलत आपका होगा नहीं। अब दीर्घ सांस क्यों लेना है? अगर बिना सांस लिए ओम का उच्चारण किया तो ऊर्जा निर्माण होती है और इसकी वजह से शरीर में ज़्यादा हीट पैदा हो सकती है। और अगर हमने सांस ली तो शरीर को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपूर्ति होती है और जब ओम बोलेंगे तो शरीर नॉर्मल रहता है। ओके, तो अब हम और सीखेंगे। सबसे पहले अब दोनों पैर जमीन के ऊपर रखो। मुद्रा, ध्यान मुद्रा ओम के वक्त आपको लेनी है। अंगूठा और पहली उंगली और कलाई घुटने के ऊपर, लाइक दिस। नीचे नीचे, हाँ, करें के बीच अंतर रखना है या नहीं? आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, जैसे आप बैठे हो, बट दोनों पैर जमीन को चिपके हुए, ऐसे ऐसे नहीं रखना है। ओके, तो सांस लेके मैं अ का उच्चारण करूंगी, आपको बोला जाएगा सांस लो एंड देन चैंट अ, ओनली अ, लिप्स हाफ इंच।
Stop here. Okay? A breathing means don't breathe like pulling air. Normal breathing. Up to navel. Try. Okay, stop. Working down. You are doing very fast. So your stomach is going inside. When you are breathing, your stomach fully filled with air. Okay? Just try. Go slow. Don't do fast. Go slowly. Correct. Now start with lips half inch. Start. Stop. Just look at here. I will tell you when you have to close your eyes. Okay? Listen slowly. Look on the board and start. Stop. Very good. Now move. Closing that email.
हाँ, आपको ओम चैंटिंग समझ गया, ओम कितनी बार बोलना चाहिए, तो मिनिमम 11 बार, तीन बार सीटिंग में नहीं, एक ओम बोलने को आपको आपके हिसाब से टाइम लगता है, बट 11 ओम 3 मिनट में हो सकते हैं, समझा ना ऐसा, तो मिनिमम 11 बोलने से ही फायदा हो सकता है। व्हाई? जब हम हर ओम बोलने के पहले सांस लेते हैं, वो सांस मूलाधार चक्र तक जाकर ब्रेन तक पहुंचने के लिए 11 बार ओम बोलने का वक्त लगता है, इसलिए हमें मिनिमम 11 ओम बोलने चाहिए। अब 3 बार ओम बोला, 5 बार बोला, साइंटिफिकली आपके शरीर को फायदा नहीं होता है। अब सांस आप लेते हो तो नाभि तक सांस भरनी है, नाभि के आसपास के जो भी अवयव है उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, और जब ओम स्टार्ट होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, तो पेट में जो भी नाभि के आसपास के अवयव है उनकी शुद्धि होती है, वाइब्रेशन एंड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, इसलिए आपके पेट की बीमारियां कम हो सकती है। हालांकि मैं जो बोलूंगी वो अंदाज से नहीं बोल रही, लोगों के अनुभूतियाँ है कि पेट का दर्द कम हो गया, एसिडिटी कम हो गई। बेसिकली आजकल एसिडिटी बहुत ज़्यादा लोगों को होती है, तो एसिडिटी पेट में जो फ्यूम्स तैयार होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं व्हेन यू आर चैंटिंग ओम, इसलिए एसिडिटी कम हो सकती है। बट आपके दो खाने में बहुत अंतर है तो डेफिनेटली एसिडिटी डेवलप होगी। आप बहुत ही ज़्यादा तीखा खाते हो तो एसिडिटी डेवलप होगी। ये सब करोगे एंड देन यू आर चैंटिंग ओम एंड मेरे को फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। साइड बाय साइड यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑल्सो ऑफ योर डाइट, ओके। अब वो मात्रा है ये हृदय के लिए फायदेमंद है। डेफिनेटली जब आप सांस लेते हो तो ये सांस हृदय से नीचे जाती है, करेक्ट, प्रेशर से, तो हृदय के हर एक नलिकाओं को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। अब हार्ट अटैक मीन्स क्या? ब्लॉकेज, तो आपका सांस लेना, ऑक्सीजन की पूर्ति आपूर्ति कम हो जाती है हृदय को, इसलिए हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपके हृदय को प्राप्त होता है, और जब ऊ का उच्चारण होता है तो आपके हृदय को डेफिनेटली हृदय का कार्य बहुत अच्छा होता है और पूरी वेंस क्लियर होती है, क्योंकि साउंड निकलता है ऊ का, हृदय से निकलता है। और म तो सबसे बढ़िया ब्रेन चार्जिंग, म मात्रा सबसे बड़ी है ब्रेन चार्जिंग। आपके ब्रेन के नीचे एक छोटा ब्रेन होता है, उसके पास में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, एक ही ग्लैंड, कितनी चने का, चने की दाल, नो चने की दाल उतनी होती है। वो 24 आवर्स में ओनली 3 आवर्स जगती है और 21 आवर्स आराम करती है वो ग्लैंड, लेकिन वो ग्लैंड रेजिस्टन पावर तैयार करने वाली ग्लैंड है। वो रेस्ट कब लेती है? सुबह 3 बजे से 6 बजे तक जागृत अवस्था, और 6 बजे से दूसरे दिन के 5 बजे तक विपरीत अवस्था। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप जल्दी उठिए, स्कूल जल्दी उठना है, सूर्योदय के पहले आपको उठ जाना चाहिए, तभी ब्रह्म मुहूर्त रहता है। और आप जैसे ही उठे, आई विल नॉट टेल यू ब्रश करो, नहाओ, धो, सिट इन द बेड एंड चैंट ओम। यस, दैट विल हेल्प यू। मैं बताती हूँ व्हाई, क्यों चलेगा, क्योंकि ओम ये आंतरिक शुद्धिकरण का आसन है। नहाना धोना
बाह्य शुद्धिकरण है। मामा उठने के बाद पहले पानी पीते तो पानी पीते कर सकते हैं या पहले पानी पीने से पहले पहले और फिर पानी पीजिए फिर पानी और ऐसे उठो बेड में बैठो और वो बोलो ग्यारह बोलने को तीन मिनट लगेंगे देन यू स्टार्ट योर वर्किंग इट विल हेल्प यू अ लॉट और आपको अनुभूति आने के लिए कम से कम तीन महीने का अवधि लगेगा और जब आप एवरी डे तीन महीने ओम बोलोगे तो आपके बॉडी को आदत हो जाएगी विदाउट ओम आपका काम ही नहीं होगा मतलब दिन ही नहीं खुलेगा कि नहीं मुझे ओम बोलना है शरीर आपसे बुलवाएगा बट तीन महीना कंटिन्यूस आपको सुबह उठ के ओम के साधना करनी है कुछ अनुभूतियाँ ऐसी है कि एक क्वेश्चन आप जवाब दे देंगे ओम कब सीखा जाता है कौन से उम्र में ओम सीखा जा सकता है सात और कोई कोशिश कीजिए थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए ये क्वेश्चन क्यों कुछ तो उसके पीछे होगा नहीं कांड इमेजिन माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो ओम सीख सकता है इतनी इसकी शक्ति है ये वर्ल्ड में बहुत ही शक्ति है और वी आर लकी कि हम लोग इंडिया में रहते हैं इसकी शुरुआत इंडिया से हुई बट आज मुझे बताने में दुख हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया से ज़्यादा ओम को माना जाता है इतनी शक्ति रह के भी हमारे ऋषि मुनियों ने इसका रिसर्च किया है हर एक वर्ड का रिसर्च करके अपने सामने रखा है मांडुक्य उपनिषद ये पूरा ओम के ऊपर है मालूम भी नहीं होगा आपको लेकिन बाहर मालूम है तो इस प्रकार से ये हमें बहुत फायदा देता है और इसका प्रयोग मैंने मेरे बेटी के ऊपर किया कोई भी ऐसे प्रयोग करो घर में करो फिर दुनिया में बताओ मेरी बेटी के शादी में मैंने उसको बताया कि बेटा ओम साधना आपको रोज करनी है उसने क्यों पूछा ही नहीं क्योंकि मैं खुद एक साल भर बैठी रहती खड़ी नहीं रह सकती थी चल नहीं सकती थी लेकिन ओम साधना करके कुछ आसन करके मैं आज खड़ी हूँ आज तक 3000 के ऊपर मेरे स्पीचेस हो चुके हैं ये वर्ड के ऊपर क्योंकि अनुभूति मिली है अच्छा लगा है मैं ठीक हो गई हूँ ये बताने में भी खुशी हो रही है तो बेटी को मालूम था मम्मी बीमार थी ठीक हो गई मेरे को भी लाइफ में फ़ायदा होगा जब प्रेगनेंसी कंफर्म हुई तब मैंने बोला बेटा अभी तो आपको कंपल्सरी एज अ माय ट्रीटमेंट बोल कुछ भी बोल कि आपको रोज बोलना ही है उसने मन से सोचा नहीं मेरे बच्चे के लिए मम्मी बोल रही है और ओम साधना उसने रेगुलर की बट वन मदर एंड टीचर सेवंथ एट्थ एंड नाइन्थ मंथ मैं उसके ससुराल में जाके रही क्योंकि प्रयोग था मेरा ये और मैं ओम बोलती थी वो सुनती थी अनुभूति ऐसी है उसकी खुद की कि जब मैं ओम बोलना शुरू करती थी उसका पेट का बच्चा घूमना शुरू करता था और जब मैं ओम बोलना बंद करती थी वो घूमना बंद करता था तो उधर से ही शुरुआत हो गई मुझे ये मालूम है अब पुणे में डिलीवरी थी डॉक्टर को मालूम था कि ये प्रयोग चल रहा है तो मुझे डिलीवरी के वक्त उधर खड़ा किया गया वॉट यू विल डू फॉर यूर ग्रैंड चाइल्ड मैं करूँगी और उन्होंने मेरे को बच्चा बच्ची हुई इमीजिएट हाथ में दिया एंड आई चैंटेड ओम फॉर 11 टाइम्स फॉर माई ग्रैंड डॉटर एंड इमीजिएट उसने हाथ पैर उड़ाई इट वॉज जस्ट मैं कभी भी ये बोलती हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं इट्स इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है ये मतलब ये नाक पेट में सीखा जा सकता है इसकी अनुभूति है इसके बाद करीबन 90 लेडीज को ये प्रयोग मैंने किया और सबके अनुभव यही है ऐसा नहीं
ओनली मेरी बेटी का। सबके अनुभव यही है कि बच्चा होते ही हमने ओम बोला और उसने फटाक से हाथ पैर हिला दिए। उसके बाद मेरी नाती के लिए सोने के लिए रात को मैं 11 ओम बोलती थी और 2 महीने के बाद मेरी नाती ने फर्स्ट ओम बोला और वो मेरी ओंकार महिमा किताब इधर है, उसमें वो चित्र भी है। क्योंकि उसने पेंसिल लेके ऐसे ही कुछ कर रही थी, उसने क्या निकाला, ओनली ओम। अब 2-2.5 साल की बच्ची को मैं तो सिखाने नहीं गई, मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि उसको ये मैं सिखाऊं कि ओम लिख, अपने आप लिखा गया। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी अनुभूति है। ऐसे ही जब बच्चा पैदा होता है, कुछ कुछ बच्चे बहुत रोते हैं, मतलब रोना ही रोना, रुकना ही नहीं, तो उनके लिए भी मैंने सीढ़ी बनाई हुई है ओम की। ये सीढ़ी उनके पास रात को लगाई जाती है और वो बच्चा 8-10 दिन में उसका रोना कम आ जाता है। क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, ओम की शक्ति उसको जो वाइब्रेशंस है ओम के, वो उसके ब्रेन तक बच्चे के पहुंचते हैं। अब स्कूल के लिए मैं जब ओम सिखाने डॉक्टर्स को गई थी, सुनने वाले को भी फायदा होता है, इसलिए मैंने सीढ़ी बनाई है। और सीढ़ी पहले जो बहुत सही है रखी हुई है, उसमें योगा निद्रा भी है। हाँ, ओम एंड योगा निद्रा बोथ बोथ है। 51 टाइम्स चैंटिंग ऑफ ओम एंड योगा निद्रा। ₹70। तो ये जो है तो स्कूल के बच्चों के लिए कैसे फायदेमंद है, तो स्कूल के जो बच्चे रहते हैं 5th स्टैंडर्ड के बाद के, उसके पहले बच्चों को आप खाली सुनाओ, उनको बिठाओ, नॉट नेसेसरी दे शुड चैंट। सुनने से फायदा है हमें मालूम है। एक फायदा ऐसा हुआ, 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे पिकनिक को गए थे, पिकनिक को गए, वहाँ इतनी मस्ती कर रहे थे कि सुन ही नहीं रहे थे। टीचर ध्यान मुद्रा में बैठी और ओम बोलना शुरू किया, सब बच्चे आराम से बैठ गए और सुन रहे। अब दूसरा गाना गाओ नहीं सुनेंगे, इतना शांत नहीं बैठेंगे, ये नाद नहीं शक्ति है। इसलिए वो टीचर ने उसकी अनुभूति किताब में दी है कि हमें पिकनिक के वक्त ऐसा अनुभव आया और सब गांव के लोग भी आ गए कि क्या चल रहा है, कितना सुंदर नाद आ रहा है। और मंदिर में जब ओम बोलते हैं तो वो घूमता है, क्योंकि मंदिर की रचना ही ऐसी रहती है इसलिए। और स्कूल 5th स्टैंडर्ड के बाद स्कूल में हर पहले प्रेयर में ही ओम सिखा दिया जाता है। अमरनाथ में म्युनिसिपैलिटी ने कंपलसरी किया है ईच स्कूल में, क्योंकि मैं अमरनाथ में रहती हूँ तो कुछ ना कुछ मैं एक्स्ट्रा करूँगी। तो हर स्कूल में तो सिखाया गया है ही, बट इट इज कंपल्सरी यू हैव टू चैंट 11 टाइम्स ओम ओम आफ्टर प्रेयर। और बहुत होता है। अब फायदा ऐसा होता है कि पढ़ाई के पहले 11 ओम, पढ़ाई के बाद 11 ओम। मुस्लिम और क्रिश्चियन में आते मुस्लिम और क्रिश्चियन ओम बोलते एनीबडी? नहीं नहीं, लेकिन यस, मेरे संस्था में मुस्लिम टीचर है, ही इज सिटिंग विद मी एंड चैंटिंग ओम। कोई उसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ओम को प्राणायाम कि बहुत से लोग ओम को भगवान का दर्जा दे चुके हैं इंडिया में, इसलिए। बट ऐसा नहीं है, ओम ये पूर्ण 3 प्राणायाम का मिक्सचर है, नाभि हृदय और ब्रेन। उसमें का ब्रेन प्राणायाम है, वो ब्रेन चार्जिंग का प्राणायाम, ब्रेन चार्ज होता है उससे, और वो बच्चों को काफ़ी फायदेमंद होता है। जो बच्चे क्लास में मस्ती करते हैं, जो बच्चे भूल जाते हैं पढ़ाई की हुई पढ़ाई ध्यान में नहीं रहती है, और कुछ कुछ बच्चे सुनना ही नहीं चाहते, मस्ती मस्ती मस्ती, उनके लिए ये दवा का काम करती है ओम।
100% कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए? प्रोपोर्शन अगर मैं आपको बोलूं कि अ एक बार, उ दो बार और म चार बार, यू विल थिंक दैट ओनली. सो व्हेनेवर यू आर चैंटिंग ओम, यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर, सेम पिक्चर. दिस इज अ, दिस इज यू. अपने आप हो जाएगा, आप घर कर नहीं सकते. ऑलवेज टिल टुडे मैं यूटिलाइज करके हूँ साधनों का. रेशियो बराबर है, एकदम परफेक्ट रेशियो. मैंने सुना है कि जिसको रात को नींद नहीं आती, वो सोने से पहले अगर वो स्लो इसमें चांटा और म की मात्रा अगर बढ़ा देते हैं तो ऐसा कुछ है? वैसे बेसिकली म की मात्रा ऑलरेडी चार गुना है इसमें, है ऑलरेडी बढ़ी हुई है और ये अनुभूति आ चुकी है. मैं अनुभूति में वो है ही नहीं. मैं सामने गई थी स्पीच के लिए, एज ग्रुप 65 लेडी, उनको नींद नहीं आती थी, बहुत दवा लेते थे, फिर भी रात को 11:30 बजे लेटे, 9:30 को लेटे, 11 बजे उठ के गुनगुना शुरू. घर के लोग बोलते थे हमारी मम्मी पागल हो गई. तो किसी ने बोला कि योगा का कुछ लेक्चर है, आप जाइए. तो वो औरत मेरे पास आई थी, मैं क्या करूँ, मैंने कुछ नहीं, 11 बार ओम बोलो, 3 महीना 11 बार गिनो, 3 महीने तक 11 बार गिनो, फिर गिनने की भी जरूरत नहीं, भले 10 हो 12 हो 15 हो, कोई फर्क नहीं. सोने से पहले, सोने से पहले और उसके बाद, और एक 4-6 महीने के बाद मैं वापस सांगली गई थी. वो लेडी मिलने के लिए आई, पूरा परिवार आया, हमारी मम्मी पागल थी, वो अच्छी हो गई, क्या करती है रात को ओम ओम बोलती है. बट ये है ब्रेन में, वेल्स. अभी मैं आपको म मात्रा का एक चमत्कार दिखाऊंगी कि क्या होता है ब्रेन चार्जिंग, क्यों होता है. जैसे आप बोलिए ओम नमः और आप इनके सर के ऊपर आते हो, अनुभूति क्या होती है आप बताएंगे. थोड़ा सा टच करो, स्टार्ट वाइब्रेशन इनको मिले. अब 11 ओम बोलेंगे, कितने वाइब्रेशन होंगे? बहुत होंगे. ज्ञान मुद्रा ये स्मरण शक्ति बढ़ाने की मुद्रा है, इसीलिए वो जब ओम बोलते हैं तभी आपको लेनी चाहिए. तो इस प्रकार से ब्रेन चार्ज होता है. अब एक बम्बई के स्कूल का लड़का 3 साल से लगातार अंबरनाथ में कैंप के लिए आ रहा था, 5th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक. और मैं हमेशा बोलती थी कि आप ओम पढ़ाई के पहले पढ़ाई के बाद में बोलो. वो लड़का अनुभूति, वो लड़का बोला मैं कुछ बोलूँ? हाँ बोलो. मैं 3 साल से ये प्रयोग कर रहा हूँ, 5th स्टैंडर्ड में कभी भी 60% मार्क नहीं मिले, लेकिन अभी मेरे को 80% मार्क्स मिलते हैं क्योंकि मेरी स्मरण शक्ति बढ़ चुकी है. पढ़ाई की मतलब स्कूल में क्लास में जो पढ़ाते हैं वो भी मुझे ध्यान में आता है, तभी एक्चुअल शांत मुद्रा का भी मैंने प्रयोग दिया हुआ है. तो इतना फायदा हुआ. ये सब मैं जो बोल रही हूँ अंदाज से नहीं बोल रही हूँ. अभी 3000 स्पीचेस के बाद बहुत से लोगों के चैंट करते वो वाइब्रेशन फील होता है ना, तो ऑक्सीजन उतना बढ़ता है डेफिनेटली. नहीं, ऑक्सीजन बढ़ता नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई पूरे शरीर में होता है, पूरे शरीर, इसलिए यू फील बेटर. अगर 11 ओम एक जगह बैठ के आप बोलोगे तो डेफिनेटली यू विल चार्ज. ओल्ड एज में स्मरण शक्ति कम होती है, उनके लिए भी ओम फायदेमंद है. आप सुनो, बोलने से भी तकलीफ होती है. ओल्ड एज में आप दीर्घ ओम नहीं बोल सकते. नहीं, आपकी प्रैक्टिस है. इसलिए अगर नया आदमी बोलना शुरू करेगा तो वो नहीं बोल सकेगा, तो वो सुनेगा तो भी फायदा होगा. इतनी इसमें ताकत है ओम में. तो मकर मात्रा के लिए हमने अनुभूति ले ली. ओ मात्रा हृदय अच्छा काम करता है. बीपी के लिए एक उदाहरण, एक इंसान को बीपी हर 15 दिन के बाद डॉक्टर के पास एडमिट, टेंशन से बीपी बढ़ता है और इससे टेंशन रिलीज होता है. और उनको डॉक्टर नहीं अमरनाथ के बोला,
अभी आप मंगला सर इसमें वेरिएशन अगर शांत मुद्रा में ओम करे तो चल सकता है ना या व्हाई नॉट क्योंकि शांत मुद्रा काम इन ऑलरेडी काम डाउन काम डाउन लो बीपी में भी चलेगा लो बीपी में यह चलेगा योग निद्रा नहीं चलेगी योग निद्रा यू शुड नॉट दैट इज गुड फॉर हाइपरटेंशन या सो इसके लिए नहीं करें चलेगा बाकी चलता है बट योग निद्रा में ऑलरेडी तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही लो हो जाता है तो इसलिए लो बीपी वालों ने योग निद्रा कभी भी नहीं करती है ओम बोल सकते ओम को कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरा सांस लिया थोड़ा थोड़ा पीछे जाएगा ये मूलाधार चक्र है जो मूलाधार चक्र से ऊपर 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 जाके ब्रेन तक पहुंचने को मिनिमम 11 ओंकार की आवश्यकता होती है अब आपने सबने ओम बोला आपको कैसे लगा अच्छा लगा कुछ चेंज लगा सब मन कभी किधर तो सुना होगा ना तो कैसे लगा जैसे ओम ओम कुछ चेंज लग रहा है टोटली डिफरेंट है लोग ओनली ओम बोलते हैं वो वर्ड इधर से आता है उसका शारीरिक फायदा कुछ भी नहीं होता है और बहुत से लोग बिना सांस लिए ओम बोलते दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग ये हम जब चैंट करते ओम और म तो कहां से कहां तक वाइब्रेशन नाभि से ऊपर तक जाता है नाभि से ऊपर तक और फिर नीचे के हिस्से में नीचे जब अपन अ स्टार्ट करते हैं तो ऑलरेडी पैर से नाभि तक आ जाता है आ जाता है तीनों कवर हो जाते हैं पूरा फुल बॉडी कवर हो जाती है दिस इज टू बी सैट ऑन द चेयर एट सेंटर Not necessary, you can sit in the chair also. And you can sit in the floor also. If you can't sit in the floor, on the floor, you can sit in the chair also. But you said your feet have to be planted like this on the floor? Yes, yes. Like this? No, like this you can sit. No problem. Like this. Oh, achha bhi hai na, nature se connected. Actually, you should not sit like this. Ah, yeah. After yes, always sit like this. Or standing. Yeah, and when you are standing, if you have to stand longer time, please stand like this, not stand like this. Leg mein pain hota hai. Aise body pura sharir aapke legs, jo aapka vajan hai, wo acche se balance ho jata hai. Yes. To khade hone ke baad, always remember, take a distance of 1 foot. In both legs. It's a simple instruction, but just follow it and see. ये पहली बार आपने जो बताया तभी मैंने कितने देखे हैं ओम एंड ओले ये टाइप जो है एंड विथ इमेज तो किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया दिस इज माई ओन क्रिएशन उसमें रेशियो आ जाते हैं ना नहीं नहीं व्हाट इज शी सेज कि इमेजिन द ओम एंड डू इट proportion हाँ so proportion people does not understand yes, yes, yes. कि मैं अ कितना बोलूँ हाँ वो कितना हम बोलेंगे ना तो immediately अ आता है वो आता है and more करके more you इतना आ जाए miss anything हाँ this proportion you are getting in this only and by practicing om I came to know अरे why I am searching here and there proportion is here only इसके अंदर ही है अच्छा अभी सुबह में उठ के पहले हम 11 बार चैंट किए फिर रात को सोने से पहले भी अगर करें इफ यू वांट यू कैन तो कोई ज्यादा नहीं नुकसान तो नहीं 11 से ज्यादा टाइम बट एक जरूर देने को आपको बहुत अच्छा लगा है दिन भर ओम मत नहीं दिन भर में नहीं ऐसा भी हुआ है दैट इज रॉन्ग खाने की कोई चीज अच्छी लगी तो खाओ खाओ तकलीफ तो होने वाली है So just remember, दो टाइम सुबह रात को क्या चाहिए 11 बार बोल सकते हैं कोई नुकसान नहीं है और preferably empty stomach में खाना खा के नहीं 100% empty stomach 100% सुबह में तो अपने आप होगा ही क्योंकि उठने के साथ और रात को इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि आपको 7 बजे खाना खा लेना चाहिए तो आप 10 बजे ओम चैंटिंग कर सकते हैं
और 10 से 11 के बीच में इंसान नॉर्मल इंसान सोते हैं, सब नहीं, नॉर्मल इंसान ये पीरियड में सो जाता है। पहली क्वेश्चन वो नाभि से आना चाहिए, तो मतलब मुझे कभी कभी तो थ्रोट से आता है, तो क्या रॉन्ग है? नहीं, एक दिन में आपको दिन भी नहीं आने वाला, यू हैव टू चैंट वन मंथ देन यू विल अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू ब्रीद अ लॉट अप टू नेवल लाइक दिस and then it will start from here. If you will breathe up to here, start from here. तो पहले breathing अच्छे से करो, deep breathing. तो अपने आप आपको realization होगा. A from here, U from here, and more full brain. Vibrations खुद के भी खुद को ध्यान में आते हैं. अब ये तो मैंने just बोला कि आप इनके देखो. तो मैं बोलूंगी कि वाइब्रेशंस मिलते हैं, क्यों विश्वास रखने? खुद को महसूस होता है, होता है, लेकिन अभी नए सीखते हैं उनको नहीं होता है, उनको ऐसे दिखाना पड़ता है कि ही हैज सीन वाइब्रेशन, देन ही विल अंडरस्टैंड एंड देन ही विल डू. नहीं, वाइब्रेशंस मिलते हैं, मुझे कब मिलेंगे? आई विल सी. इसलिए मिनिमम टाइम मैंने 3 महीने का दिया है. Yes, definitely, 100%. Ladies are not there, so I am not told, but for ladies, it is medicine. Because some ladies are having too much this problem, but wo regular ho jata hai. To menses mein bhi aapko om bolna hai. And it is a natural process. इसमें आपको उस वक्त एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ओम की वजह से वो आपके शरीर को मिलती है. इसलिए उस वक्त जरूरी ही है कि यू हैव टू चैंट ओम. और इसी ये क्वेश्चन इंडियंस का रहता है. व्हाई? क्योंकि इंडियन पीपल, ओम मीन्स भगवान. तो हाउ वी कैन टेक नेम ऑफ गॉड इन दैट पीरियड? सही बात. नहीं, वो एक्चुअली क्या है हमारे मन में उस समय है, पहले जैसे 3 दिन ये रेस्ट करो, एक्चुअली उसका मीनिंग रियल था, उनको रेस्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि उस समय रेस्ट मिलना चाहिए. वी हैव ट्रीटेड इट अनदर अदर वे, उसको छूना नहीं है. यस, ऐसा होता. कैन आई आस्क अ क्वेश्चन आउट ऑफ दिस? नॉट रिलेटेड. यू हैव यू नो सेग्रीगेटेड अहू एंड मा. एक्चुअली यू नो आई वाज जस्ट थिंकिंग, इट जस्ट स्ट्रक मी. In the Christian and the Muslim, it's the same, that 3 different Ahu and Me, that Amen and Amen. Is there any relation here? 100%! Relation is there. They have twisted something like... It is there, no problem. It's a universal sound. The basics are the same. Same. It's so easy. I'm telling you, na, in my sanstha, Yoga Sadhana Kendra, Christian teacher, and one a Muslim, and they are sitting with me and chanting Om. Om, Amin. Word alag hai, but process yehi hai. Don't worry. Pranam ye Sanskrit ka naam hai. Pranam. नहीं, वो संस्कृत में प्रणव को प्रणव बोला गया है. ओम को संस्कृत में प्रणव बोलते हैं. उत्पत्ति नो, नॉट मीनिंग ऑफ उत्पत्ति मींस प्रणव. नो, ओम मींस प्रणव. इट्स अ नेम, जस्ट नेम, जस्ट. उसका कोई मीनिंग नहीं है अलग से. एनी अदर, यू आर जस्ट